गुड आफ्टरनून बच्चों, इस वीडियो में मैं सर्विस कोस्टिंग के ये पांच क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ, 8 का, 10 का, 18 का, 15 का और 16 का। जिनके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं वो चाहे तो ये वीडियो न देखें, कोई दिक्कत नहीं है, और जिनके क्वेश्चंस नहीं हुए हैं केवल वो ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है जी, तो करें स्टार्ट एक करके। पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, आज वाले क्वेश्चंस जो हमने अभी तक क्वेश्चंस किए उनसे बहुत अच्छे लेवल के हैं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आराम से। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। सबसे पहले हाँ, क्या लिखा हुआ है, ग्लोबल एकेडमी लिमिटेड चार्ज 90 रुपीज पर टन फॉर इट्स 6 किलोमीटर फिक्स फॉर इट्स 6 टन ट्रक लोरी लोड फ्रॉम ए एंड बी। आराम से, ग्लोबल लिमिटेड है वो, ग्लोबल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है वो, ट्रक की फैसिलिटी देती है लोगों को, जिसके बदले वो कितना चार्ज करती है, 90 रुपए पर टन चार्ज करती है, फॉर इट 6 टन ट्रक लोरी लोड फ्रॉम सिटी ए टू बी। ठीक है, ट्रक फॉर कहां से, ए से बी पर गुड्स पहुंचाने के लिए। ठीक है जी, द चार्जेस फॉर द रिटर्न जर्नी, अब ए से बी पे जाएगी तो डेफिनेटली वहां से वापस भी आएगी, वापस आने के लिए वो चार्जेस कितने लेती है, 84 रुपीज पर टन लेती है। पहली बात, ये 90 रुपए और 84 रुपीज ग्लोबल कंपनी के लिए खर्चा नहीं है, क्या है, इनकम है। ठीक है जी, नो कंसेशन और रिडक्शन इन दीज रेट्स इज मेड फॉर एनी डिलीवरी ऑफ गुड्स एट इमीडिएट स्टेशन इंटरमीडिएट स्टेशन सी। ओहो, ए और बी के बीच में कौन पड़ता है, सी भी पड़ता है। अब ए चाहे सी तक सामान पहुंचाए या ए से सी तक, ए से बी सामान पहुंचाए या ए से सी सामान पहुंचाए, रुपया कितने लेगा, 90 रुपए लेगा, कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। कंपनी कंपनी की पॉलिसी हो सकती है। इन जनवरी 2012, केवल किसकी बात कर रहा है, जनवरी की बात कर रहा है, द ट्रक मेड 12 आउटवर्ड जर्नी फ्रॉम फॉर सिटी बी, 12 बार जर्नी करी ए से बी के लिए, 12 बार विथ फुल लोड, फुल लोड। अब ये बताओ फुल लोड कितना है, देखो ऊपर लिखा हुआ 6 टन इसकी कैपेसिटी है। ठीक है सर, तो फुल लोड 6 टन हो गया, विथ फुल लोड आउट ऑफ विच 2 टन वर अनलोडेड ट्वाइस इन द सिटी सी, और 12 बार में से दो बार दो टन उसने कहां उतार दिया, सी पे उतार दिया। द ट्रक कैरिड ए लोड ऑफ 6 टन इन इट्स जर्नी। ओहो, द ट्रक कैरिड ए लोड ऑफ 8 टन इन इट्स रिटर्न जर्नी फॉर 5 टाइम्स। बेटा इसकी कैपेसिटी 6 की थी, लेकिन इसने नालायकपना कर दिया, इंडिया में तो वैसे ही ये चीज होती रहती है, ओवरलोड कर लिया खुद को, 8 टन वापस आते वक्त 5 टाइम लेके आया, और एक बार क्या हुआ, बट वाज वंस कॉच बाय कैच बाय पुलिस, एक बार पुलिस ने पकड़ लिया, और कितने रुपए का फाइन लगा दिया, 1200 रुपए का फाइन लगा दिया। फॉर द रिमेनिंग ट्रिप द ट्रक कैरिड फुल लोड। अब रिमेनिंग ट्रिप कितनी, भाई 12 बार आया तो 12 बार ही जाएगा, 12 बार में से 5 टाइम तो ये 8 टन लेके आया, बचा कितना, 7 टाइम फुल लोड के साथ आया, फुल लोड मतलब 6 टन के साथ आया, आउट ऑफ विच ऑल द गुड्स ऑफ लोड वर अनलोड वंस इन इट सिटी सी, और उनमें से एक बार, वंस एक बार वो कहां उतर गया, सिटी सी पर उतर गया, बट इट डिड विदाउट एनी लोड वंस फ्रॉम सी टू ए, द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए टू सी एंड टू बी 140 किलोमीटर एंड 3300 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट 60,000 एंड 12,000 रेस्पेक्टिवली, रनिंग कॉस्ट स्पेंड ड्यूरिंग द जनवरी 2944, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। ठीक है जी, और प्रॉफिट ऑफ जनवरी 2012, पता नहीं क्या बोला गया है, एक डायग्राम बनाते हैं उससे इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, करें, चलो हाँ जी, एकदम शांति से बनाएंगे, समझना, ये ए है प्लीज, ये बी प्लेस हो गया, सॉरी ये कौन सा हो गया, बीच में सी आ रहा है ना इसके अंदर, ये कौन सा प्लेस हो गया, सी प्लेस हो गया, और यहां से आगे जाते हैं ये क्या हो गया, सी प्लेस हो गया, ये क्या आ गया आपका, बी प्लेस हो गया। ठीक है जी, अब लोड लिख देता हूं मैं, दो कॉलम बना लेता हूं, लोड और अनलोड। ठीक है जी, अब स्टार्टिंग से ए बी तक जाएगा तो 90 रुपए लेगा और वापस आएगा तो 84 लेगा, जो ये बात की बात है।
नो कंसेशन, बीच में सी पे उतारेगा तो कोई पेमेंट नहीं लेगा। अब सुनो, इन जनवरी 2012 ट्रैक मेड 12 आउटवर्ड जर्नी फॉर सिटी बी। कितनी जर्नी करी हुई यहां से? 12 जर्नी करी लोड, 12 जर्नी करी और कितना टन उठा के ले गया? 6 टन उठा के ले गया। अच्छी बात है, 12 जर्नी फॉर सिटी बी, ठीक है, विथ फुल लोड, आउट ऑफ विच इसमें से इसने 2 टन दो बार कहां उतार दिए? सी पर, ठीक है। तो अनलोड कितना कर दिया? 2 बार 2 टन, 2 बार 2 टन इसने अनलोड कर दिया यहां पर, ठीक है। अब बात ही आती है, बचा हुआ बी पर ले गया, बचा कितना? अरे 12 में से 2 बार इसने बीच में सामान उतारा, मतलब 10 बार तो पूरा ले गया, 10 बार ले गया 6 टन, 2 बार आराम से, 2 बार केवल 2 टन उतारा, मतलब 4 टन तो यहां तक लेके आया ही है, 4 टन यहां पर लेके आया है। कितनी बार लेके आया है? 2 बार लेके आया है। ये चीज समझनी पड़ेगी, फिर सुन लो एकदम आराम से। खर्चा लगता है वापस, इन जनवरी ट्रक मेड 12 आउटवर्ड जर्नी फॉर द सिटी सीबी। 12 जर्नी करी, ऑब्वियसली खाली तो जाएगा नहीं, 6 टन लेके जा रहे हैं, विथ फुल लोड, आउट ऑफ विच 2 टन वर अनलोडेड। ओहो, इसमें से 2 बार इसने अनलोड कर दिया, 2 टन 2 बार अनलोड कर दिया सी पर। तो अनलोड मैंने उतार दिया, मैं डायग्राम बना रहा हूं खाली, 2 बार 2 टन उतार दिया, अच्छी बात है। अब साहब 2 बार 2 टन उतारा तो लेकिन तो 6 चला था, तो 4 टन यहां उतार दिया 2 बार, और 12 में से 2 बार तो इसने बांट लिया, लेकिन 10 बार तो पूरा बी तक लेकर गया। अब चलते हैं आगे, द ट्रक कैरीड लोड 8 टन इन द रिटर्न जर्नी। 8 टन लेके चला नालायक 5 टाइम्स, ठीक है साहब, 5 टाइम। तो मैं वापस चलू यहां से, वापिस चलो, ये पहुंचा कहां तक पहुंचा, ए तक पहुंचा, ठीक है। अब ए तक पहुंचा तो ये कितना सामान लेके पहुंचा? सामान लेके पहुंचा, ये आराम से सुनना, 5 बार पहुंचा, कितना सामान लेकर? 8 बार सामान लेके पहुंचा, अच्छी बात है भाई, 5 टन 5 टाइम्स 8 टन लेके, ठीक है जी। ये इसने यहां क्या कर दिया? अनलोड कर दिया, बात समझ में आई? चलो, बट पुलिस ने एक बार पकड़ लिया, अमाउंट का एडजस्टमेंट बाद में करेंगे। फॉर द रिमेनिंग ट्रिप, रिमेनिंग ट्रिप मतलब 12 बार गया तो 12 बार ही आएगा, उसमें 5 बार तो हो गया, बचा कितना? 7 बार, 12 में से 5 घटाओ कितना बचेगा? 7 बार, 12 में से देखो मैंने घटाए 5, कितना बचा? 7 बार, 7 बार क्या हुआ? फॉर द रिमेनिंग ट्रिप ट्रक कैरिड फुल लोड, फुल लोड कितना है? फुल लोड कितना है? फुल लोड है आपका 6 टन का, आउट ऑफ विच ऑल गुड्स वर लोड वर अनलोड वंस इन सिटी सी। ओहो, यहां से इसने रास्ता मोड़ लिया, अपना रास्ता मोड़ लिया, और मोड़ा कितना? एक बार मोड़ा कितना? 6 टन मोड़ा, ये इसने यहां पर अनलोड कर दिया, अनलोड कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब चला कितना लेके था? ये चला था कितना लेकर? ये चला था, आराम से समझना, 6 टन लेके चला था 7 बार, 7 बार में से 1 बार यहां उतार दिया, तो यहां कितना बचा? 6 टाइम लेके आया 6 टन, बात समझ में आई? यहां पर इसने लोड कितना किया था? लोड किया था 5 बार 8 टन और 7 बार 6 टन, इसको तोड़ा तो 1 बार यहां उतर गया, बाकी बचा हुआ यहां उतर गया, बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसने पूछा है डिस्टेंस कितना दे रखा है, आओ, ए से सी तक का डिस्टेंस दे रखा है 140, ठीक है जी, और सी से बी नहीं दे रखा, इसने ए टू बी दे रखा कितना? 300, ए टू बी 300, इसमें से 140 सी है, तो ये कितना हो गया? 160 हो गया, ठीक है जी। अब मुझे निकालना है अब्सोल्युट टन किलोमीटर, क्या निकालना है? अब्सोल्युट टन किलोमीटर निकालना है, ठीक है साहब। अब्सोल्युट टन किलोमीटर का फॉर्मूला है d1 into t1, याद है? चलो स्टार्ट करते हैं, एकदम आराम से, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, आराम से। पहले मैं बात करता हूं ए टू सी, ए से सी तक कितना लेके चला? ए से सी तक खाली इतना ही तो लेके चला, बाकी तो आगे ले गया था, तो 2 × 2 ये टन हो गया, कितना किलोमीटर चला? 140 चला, ठीक है साहब। अब बात करते हैं ए टू बी,
ए टू बी कितना लेके चला, ए टू बी लेके ये चला कितना 10 × 6 और 2 × 4 ये लेके चला, पक्की बात। कितने किलोमीटर चला बोल सकता हूं, 300 किलोमीटर चला, 300 समझ गए ना, 140 प्लस 40 एक से बी तक चला, अच्छी बात है। अब यहां पहुंच गया, अब वापस आया तो बी टू सी कितना चला भैया, बी टू सी कितना लेके चला, एक बार चला कितना लेकर 6 टन लेके चला, लेकिन रास्ता कितना नापा इसने 160 का। इसी तरह हम बात करें बी टू ए चला, तो बी टू ए दो अलग लेके चला, हाँ जी बी टू ए कितना लेके चला, बी टू ए मैं बोलू लेके चलने के लिए तो आप देखो कितना लेके चला, बी टू ए लेके चला आराम से एक बार, तो बी टू ए चलने से पहले एक तो लेके चला, 5 बार तो लेके चला 8 टन 300 किलोमीटर ठीक है जी, और उसके बाद दूसरा कितना चला 6 बार चला 6 टन लेकर वो भी 300 किलोमीटर, तो सब इन सबको जोड़ दो आपका कितना आ जाएगा, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर आ जाएगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करना इसको, 2 × 2 × 140 एम प्लस में डाला कितना आएगा 560 आ जाएगा, दूसरे का 10 × 6 × 300 कितना आ गया, ओहो 18,000 आ रहा है, नहीं ऐसे थोड़ी होता, 300 × 6 × 10 18,000 आ रहा है, कितना आ गया 18,000 आ गया, 2 × 4 × 300 कितना आ गया 2400 आ गया, 1 × 6 × 160 कितना आया 960 आ गया, 8 × 5 × 300 कितना आ गया 12,000 आ गया ठीक है जी, और अगला कितना आएगा 6 × 6 × 300 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10,800 आ जाएगा ठीक है जी, जोड़ लगा दे 560 प्लस 18,000 प्लस 2400 प्लस 960 प्लस 12,000 प्लस 10,800 कितना आया 44720 कितना आ गया 44720 ये क्या आया आपका एब्सोल्यूट टन किलोमीटर आ गया। मेरे हिसाब से मेरा काम एक बार तो हो गया। अब पूछा क्या वो देखे, पूछा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, अरे तो मेरी कॉस्ट निकालनी है, टन किलोमीटर मैं निकाल चुका, कॉस्ट में एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का डिवाइड कर दूंगा तो मेरी कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर आ जाएगी ठीक है जी, करें इसको चलो। हाँ जी ऊपर कर दें इसको, ये कर लेना, इसके मैं ऊपर कर रहा हूं ठीक है ना, ताकि क्वेश्चन मेरे पास रहे। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, नहीं दिख रहा तो सुन लेना, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकाल रहा हूं, तो मुझे कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अब कॉस्ट इसमें खाली 3 लगी, 60,000, 12,000 and 2944, लेकिन देखो एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट, अरे एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट, एनुअल एनुअल मतलब ये 60,000 और 12,000 क्या है, एनुअल है, तो मुझे तो ऑब्वियस अभी तो कौन सी निकालनी है, मंथली निकालनी है, क्योंकि मैं मंथली का इन्फॉर्मेशन दे रखा, जनवरी की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो मैं बोलूं मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आएगी, अगर मैं बात करूं तो फिक्स्ड कॉस्ट मेरी आएगी 60,000 डिवाइड बाय 12 कितनी आई, देखो 60,000 डिवाइड बाय 12 कितनी आ गई 5,000 आ गई। फिक्स्ड कॉस्ट के बाद दूसरा खर्चा क्या लग रहा है मेरा, मेंटेनेंस चार्जेस, तो मैं बोलूं मेंटेनेंस चार्जेस मेरे कितने लगेंगे, देखो 12,000 लग रहे हैं पूरे साल के, डिवाइड बाय 12 कितना आया 12,000 डिवाइड बाय 12 केवल 1,000 रुपए आए ठीक है, और रनिंग चार्जेस भी लग रहे हैं स्पेंड ड्यूरिंग जनवरी, ये खाली किसका एक्सपेंस दे रखा है, जनवरी का एक्सपेंस दे रखा है, किसका दे रखा है, जनवरी का दे रखा है, तो मैं लिखू इसको रनिंग चार्जेस, इसको मैं सीधा ऐसा ही लिख दूंगा, कितना लिख दूंगा 2944 लिख दूंगा, तो मेरा टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, टोटल एक्सपेंस आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ो 5,000 प्लस 1,000 प्लस 2944 कितना आया
8944। ठीक है जी, ये मेरी क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। ये क्या आई, मेरी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है। क्या बोल रहा है मानसु तू मेरे को, सर ये 1200 रुपए नहीं जोड़ोगे क्या? अरे बेटा ये मेरा खर्चा होता है, नुकसान है, लेकिन ये मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं आता। ये आपके लिए इनडायरेक्टली अबनॉर्मल एक्सपेंस है, क्योंकि फाइन लगा है, और फाइन केवल आपके यहां लगा है और किसी कंपटीटर के यहां पर नहीं लगा। ये फाइन है, फाइन कभी भी हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट नहीं होता, इसलिए मैं इसको कॉस्ट का पार्ट नहीं मान रहा हूं। ठीक है जी, अब मैं डिवाइड दे दूं, डिवाइड एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का मैं डिवाइड करूं, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कितना आया था, देखो नीचे मैंने कैलकुलेट किया था, ये आया था मेरा 44720। कितना आया था, 44720। तो मैं 44720 का भाग दे दूं, 44720 का भाग दे दूं, कितना आएगा देखो, डिवाइड बाय 8944 डिवाइड बाय 44720, कितना आया 0.2 पर किलोमीटर। कितना आया 0.2 पर किलोमीटर। ये क्या ही कॉस्ट पर टन किलोमीटर। यहां तक क्लियर हो गया, ये डायग्राम उतार लेना। ठीक है जी, और डायग्राम के बाद ये कैलकुलेशन कर लेना टन किलोमीटर की, और इसके बाद कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकाल देना। ठीक है जी, यहां तक कर लिया। अब इसने एक चीज दूसरी और पूछी है, एंड आल्सो कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ 2012। प्रॉफिट भी निकालो। सर प्रॉफिट कैसे निकाले, अरे नालायको मुझे रेवेन्यू दे रखी ग्लोबल की, ग्लोबल का खर्चा दे रखा है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, मेरा प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकता हूं। सर जल्दी से कराओ, जल्दी से कराओ, तो इसको मैं मिटा दूं थोड़ा सा। चलो अच्छी बात है, हाँ जी हाँ जी, चलो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 2 जनवरी 2012 का प्रॉफिट निकालना है। वही पर्टिकुलर अमाउंट, दो कॉलम बन जाएंगे सर, बन गए पर्टिकुलर अमाउंट। अब इसी कमाई हुई, कमाई देखो 90 रुपए हुई जाने की, आने की 84 पर टन हुई। अभी बताओ ए बी तक जाएगा तो 90 लेगा, ए सी तक जाएगा तो भी 90 लेगा, नो कंसेशन, कोई कंसेशन नहीं मिलेगा अगर आप रास्ते में भी माल उतारते हो तो। ठीक है साहब, आते वक्त भी बी सी तक जाए, बी ए तक जाए, कितने लेगा, 84 लेगा। ठीक है साहब, लिख दो रेवेन्यू, रेवेन्यू फॉर आउटवर्ड जर्नी, आउटवर्ड जर्नी कितना, आराम से कितने टन लेके गया मैं 6 टन लेके गया। कितनी बार लेके गया, 12 बार लेके गया। अब 12 बार में से 2 टन सी पे उतारे, कहीं फर्क नहीं पड़ता, क्यों भैया, क्योंकि मैं पैसा बराबर लूंगा, कितने लूंगा, × 90। ठीक है जी, अब रिवेन्यू फॉर इनवर्ड जर्नी, इनवर्ड जर्नी, तो चलें आगे बात करें। अब सुनना, मैं 8 टन लेके आया 5 बार × 84। ठीक है जी, प्लस मैं 6 टन लेके आया 7 बार, 7 बार है ना, × 84। ये मेरी टोटल इनकम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, मेरी टोटल इनकम हो जाएगी। कितनी इनकम हुई देखो, 90 × 12 × 6 बस 6480 सॉरी, ठीक है, और 8 × 5 × 84 3360 और 6 × 7 × 84 3528 बस इतनी सी इनकम हो रही है। नहीं नहीं कुछ गलती करी होगी हमने, देखते हैं वापस, 8 × 5 × 84 हाँ गड़बड़ कर दिया ना, 6 × 7 × 84 3528 यहाँ आएगा 6888 कितना आएगा 6888 ठीक है जी, दोनों को जोड़ दे 6480 कितना आया 13368 ये रेवेन्यू हो गई लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट।
ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आई थी मेरी 8944, कितनी आई थी 8944, माइनस कर दो 8944, कितना आ गया 4424, ये मेरा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अरे नालायको, इसने तो प्रॉफिट पूछा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ी पूछा है। लेस क्या कर देंगे? लेस आराम से क्या लेस कर देंगे? लेस फाइन। लेस फाइन कितने रुपए? 1200 रुपए का फाइन लगा। ये खर्चा पेंडल में जाता है ना प्रॉफिट लॉस। लेस 1200, कितना आ गया 3224। लो जी, ये आपका क्या आ गया आंसर, कंप्लीट हो गया। बात क्लियर हुई? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन और ट्राई करूंगा, इससे भी शानदार हो। हाँ जी, हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाइए, सबसे लास्ट क्वेश्चन में आ जाइए। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें पहले तो मुझे मजा आएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे नहीं होता है, डेफिनेटली आपसे नहीं होगा, तो फिर हम आंसर देखेंगे तो मजा आएगा, ठीक है जी। पहले खुद ट्राई करोगे तो मजा आएगा, ठीक है जी। हाँ, पढ़े क्वेश्चन, चलो। ए मिनरल इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टू माइंस, बहुत प्यारी बात लिख रखी है। ए मिनरल इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टू माइंस ए एंड बी एंड अनलोडेड ए प्लॉट ऑफ स्टेशन सी। मैं डायग्राम भी साथ में बनाऊं तो सही रहेगा, आराम से। ये ए है और ये बी है। ये कहां है? ये आपका रेलवे स्टेशन का प्लॉट है, ठीक है साहब। मैं रेलवे स्टेशन पे सामान डिलीवर करता हूं और मैं साथ में इस जगह से भी रेलवे स्टेशन पे सामान डिलीवर करता हूं, ठीक है जी। माइन ए इज टू डिस्टेंस 10 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस है? 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। एंड बी से कितना है? बी से है 15 किलोमीटर का, कितना है? 15 किलोमीटर, अच्छी बात है। ए फीट लोरी 5 टन कैरिंग कैपेसिटी इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द माइंस, ठीक है। एक ए लोरी की कैपेसिटी कितनी है? 5 टन की है, ठीक है जी। रिकॉर्ड रिवील्ड दैट लोरी एवरेज स्पीड, अरे चाहे मैं ए से सामान लेके जाऊं लोरी में तो भी कितना टन उठा सकता हूं? 5 टन। और यहां से कितना उठा सकता हूं? 5 टन, अच्छी बात है। रिकॉर्ड रिवील्ड दैट लोरी स्पीड, लोरी की जो स्पीड है ना भागने की, वो कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 30 किलोमीटर भाग लेती है, बहुत सुपर स्पीड होगी। When running and regularly take 10 minutes to unload the rail head, ओहो, unload का क्या मतलब हुआ? अरे भाई, यहां से 5 टन भरे गए, रेलवे स्टेशन पे उसे खाली करेंगे नहीं करेंगे? खाली करने में कितना टाइम लेता है? खाली करने में लेता है 10 मिनट, चाहे मैं कोई सा भी करूं, तो अनलोड टाइम कितना हो गया? 10 मिनट टू अनलोड। अनलोड करने में कितना टाइम लेता है? 10 मिनट लेता है, ठीक है सर। एट माइन ए लोडिंग टाइम 30 मिनट, और लोड भी तो करना पड़ेगा। लोड करने में ए में कितना टाइम लगता है? लोड में लगता है 30 मिनट, ठीक है। व्हाइल बी टेक एवरेज 20 मिनट्स टू लोड, और बी में लोड का टाइम कितना लगता है? 20 मिनट्स लगता है, आराम से। इसको वापस पढ़ेंगे अभी, आराम से। ड्राइवर वेजेस डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस टैक्सेस आर फाउंड टू कॉस्ट 9 रुपीज पर आवर ऑपरेटेड। ड्राइवर वेजेस डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस टैक्स, इन सबको मिलाकर मैं एक घंटे के कितने रुपए देता हूं? 9 रुपए देता हूं। फ्यूल ऑयल टायर रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट 1.2 पर किलोमीटर, और जितने किलोमीटर चलेगी उतना मैं क्या दूंगा? मेंटेनेंस कॉस्ट दूंगा 1.2 पर किलोमीटर के। शोइंग द स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर 10 किलोमीटर, मुझे क्या निकालना है? 10 किलोमीटर निकालना है, ठीक है जी। ये निकालना है, आराम से निकालेंगे, शांति से। पहले मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना, फिर पढ़ते हैं। मैं समझा दूं, ए से रेलवे स्टेशन जाया जाता है, बी से रेलवे स्टेशन जाया जाता है, क्यों? ए एक ऐसी जगह है जहां पर कुछ ट्रांसपोर्ट लाइक मिनरल्स पड़े हैं, ये मिनरल्स ए लोड करता है, लोड करने में 30 मिनट लेता है, जाता है कितनी दूर जाता है? 10 किलोमीटर जाता है, और 10 किलोमीटर जाके रेलवे स्टेशन पे अनलोड कर देता है, अनलोड में 10 मिनट लगती है, ठीक है सर। अब यहां से ऑब्वियसली खाली आएगा, कुछ नहीं लिख रहा तो चलो
बी की बात करें, लोड करने में 20 मिनट लगता है या गहराई कम होगी, ठीक है साहब। कितना टाइम, डिस्टेंस कितना लेंगे, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अच्छी बात है। रेलवे स्टेशन में खाली होता है 10 मिनट के अंदर और फिर वापस बी तक चला जाता है खाली, ये कहानी। अब मुझे निकालनी है कॉस्ट पर 10 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में मुझे कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी और 10 किलोमीटर भी निकालना पड़ेगा। अभी बताओ इस क्वेश्चन में कितने चक्कर निकाल रहा है, एक दिन में नहीं दे रखा, एक महीने में कितने निकालता है नहीं दे रखा, मतलब मुझे खाली एक चक्कर की कॉस्ट निकालनी है, किसकी, एक चक्कर में कितना खर्चा आएगा, पक्की बात। अब पहली बात, एकदम आराम से शांति से 9 रुपए पर आवर लेता है, एक घंटे के 9 रुपए लेगा, तो बताओ एक चक्कर में कितना टाइम लगेगा, ठीक है जी। तो एक चक्कर में कितना टाइम निकल लगेगा, मतलब मुझे इस क्वेश्चन में एक तो हवर भी निकालने पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा एक चक्कर में, तो साहब वो निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। दूसरी बात, पर किलोमीटर 1.2, तो मुझे नंबर ऑफ किलोमीटर भी निकालने पड़ेंगे, एक चक्कर में कितने किलोमीटर चलता है दे रखा है वो निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो मेरी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल जाएगी, उसके बाद कॉस्ट 10 किलोमीटर निकाल के हम इस क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ये डायग्राम आप बना लोगे सर? हाँ जी बना लेंगे। चलो जी करें स्टार्ट। एक एक चीज निकालू, मुझे कॉस्ट पर 10 किलोमीटर निकालनी है, लेकिन मैं एक चीज निकाल देता हूं जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, इसको मैं W1 नाम देता हूं, वर्किंग नोट नाम दे देता हूं। सर क्या बनाने निकालने वाले हो, तो सुनो W1 कैलकुलेशन ऑफ टाइम टेकन इन वन ट्रिप, एक ट्रिप में कितना टाइम लेगा, ठीक है। वन राउंड ट्रिप लिख लू, आके जाना भी तो इसको, वन राउंड ट्रिप, ये वर्ड सुनना, राउंड ट्रिप काम आएगा, राउंड ट्रिप। सर स्टार्ट करो, करते हैं स्टार्ट। लो जी डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, हाँ सर जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं डायग्राम भी थोड़ा सा देख लेता हूं। पर्टिकुलर ए बी, चलो अभी बताओ ए लोड होने में कितना टाइम लेता है, टाइम टेकन मतलब हवर्स निकालने, लोड टाइम कितना लेता है, वो लेता है 30 मिनट, मैं मिनट्स में निकाल लूं, और ये कितना टाइम लेता है, 20 मिनट लेता है, ठीक है जी। अनलोड टाइम कितना लिया जाएगा, यहां भी 10 मिनट ली जाएगी और यहां भी 10 मिनट ली जाएगी, ठीक है साहब। चलो अब एक्स के अलावा क्या लगेगा, ट्रेवलिंग टाइम, आराम से ट्रेवलिंग टाइम, ये शानदार चीज है, ट्रेवलिंग टाइम। अब बताना जरा आप वापस, हाँ जी, ए रेलवे स्टेशन तक जाएगा तो कितना टाइम लेगा, 10 किलोमीटर, टोटल कितना तक किलोमीटर चलेगा, 20 किलोमीटर चलेगा टोटल, कैसे, अरे 10 आने के और 10 जाने के, मतलब 10 जाने के और 10 आने के, 20 किलोमीटर चलेगा ना, पक्की बात। चलो अब सुनना, एक घंटे में 30 किलोमीटर चलता हूं मैं, एक घंटा मतलब 60 मिनट, एक घंटा मतलब 60 मिनट, मतलब मैं बोलूं तो मैं बोल सकता हूं, एक ही बात करूं केवल, तो ये 30 किलोमीटर में 60 मिनट चलता है, 30 किलोमीटर में 60 मिनट चलता है, या उल्टा लिखूं मैं, आराम से उल्टा लिखूं इसको, सर उल्टा लिख दो आप, चलो हाँ जी, मैं 60 मिनट में 30 किलोमीटर चलता हूं, तो बताओ मैं 20 किलोमीटर कितनी देर में चलूंगा, 60 मिनट में मैं 30 किलोमीटर चलता हूं तो मैं 20 किलोमीटर कितने टाइम में चलूंगा, तो 60 / 30 × 20 कितना आ गया सर, 40 आ गया, कितना आ गया, 40 आ गया, 40 मिनट आ गया। इसी तरह की इसकी बात करें, 60 मिनट में मैं 30 किलोमीटर चलता हूं तो 30 में कितना चलूंगा, 30 कैसे, 15 जाने के और 15 आने के, ठीक है जी। 60 / 30 × 30 कितना आएगा, 60 ही आ जाएगा।
ये क्या आई आपकी सिंपल लैंग्वेज बोले तो ये मिनट आया, ये मिनट आया, ये मिनट आया, ये भी मिनट आया, मिनट आया और मिनट आया। ठीक है, अब टोटल टाइम कितना लिया, टोटल टाइम में जोड़ू तो यहां आ जाएगा 80 मिनट और 60, 70, 80, 90 मिनट। 90 मिनट ली, 60, 70, 80, 90, ये आया टाइम टेकन इन मिनट्स। और इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं हवर में तो करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर कॉस्ट हर पर हवर लगती है, तो मैं बोलूं टाइम टेकन इन आवर, टाइम टेकन इन आवर, इन आवर, तो आवर में निकालने के लिए इसमें मैं किसका डिवाइड कर दूं, 60 का डिवाइड कर दूं, तो 80 डिवाइड बाय 60, पॉइंटों में आएगा, डरना मत, 1.33 आवर, 1.33 आवर। और इसमें बात करूं तो कितना आएगा, 90 डिवाइड बाय 60 1.5 आएगा, कितना आएगा 1.5 आवर आ जाएगा। बात क्लियर हुई, मैंने क्या निकाल लिया, कितना टाइम लिया एक ट्रिप पूरी करने में। ठीक है जी, अब मुझे दूसरी चीज निकालनी है, किलोमीटर कितना चला। ठीक है साहब, तो किलोमीटर तो सीधा चला 10 आने का और 10 जाने का। ठीक है जी, अब मैं इजीली कॉस्ट निकाल सकता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे निकालना पड़ेगा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर क्या होगा, टन किलोमीटर कितना होगा, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो वर्किंग नोट नंबर 2 भी बना ले, सर बना लो जल्दी से। हाँ जी, चलो वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। हाँ जी, पहले बात करें ए की, तो सुनना, ए कितना सामान लेके गया, 5 टन लेके गया, कितने किलोमीटर लेके चला, 10। अच्छी बात है, अब चलते हैं आते वक्त की, आते वक्त कितना सामान लेके आया, कुछ नहीं लिख रहा, खाली आया भैया, इंटू 10 आराम से। अरे भी 5 किलोमीटर लेके गया, अब तक 0 लेके आया। ऐसे में बी की बात करूं तो बी में 5 टन ही लेके चला, कितने किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चला, और आते वक्त कितना लेके आया, 0 × 15 लेके आया। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकाल देंगे, कितना आएगा, पहले का 50 आ जाएगा और दूसरा कितना आएगा, 75 आ जाएगा। ये क्या आया, टन किलोमीटर, कितना आया, टन किलोमीटर आ गया। ठीक है जी, आप पूरा लिख लोगे। ठीक है जी, ये हो गया। अब करते हैं हमारा काम, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट टन किलोमीटर, कॉस्ट टन किलोमीटर मुझे निकालना है। करें जी, करो, पहले कॉस्ट निकालें। कॉस्ट यहां देखो 2 लग रही है, एक बार देखना कौन कौन सी लग रही है। सर एक तो लग रही है ड्राइवर वेजेस एक्सेट्रा, और एक लग रहा है फ्यूल एक्सेट्रा, तो करें, चलो। हाँ जी, ब्लू पेन से कर लेते हैं। चलो, ड्राइवर वेजेस ईटीसी, चलो 3 कॉलम बना लो सर, ये ए हो जाएगा ऊपर और ये बी हो जाएगा। चलो, हाँ जी, 9 रुपए लग रहे हैं 1 किलोमीटर के, और कितना चला हम, 1.33 आवर चले। 9 रुपए लग रहे हैं 1 घंटे का, कितना चला, 1.5, कितना आया, 9 × 1.33 12 आया, और यहां कितना आ जाएगा, 9 × 1.5 13.5 आना चाहिए, 13.5 आ जाएगा। ठीक है जी, एक फ्यूल वगैरह का एक्स्ट्रा लगे, फ्यूल फ्यूल ईटीसी जो भी नाम लिख लेना, ठीक है, कितना लगा, 1.2 पर किलोमीटर चला। अरे चले कितने, उस डायग्राम में आओ, कितना चला, मैं देखो 10 बार गया तो 10 आया भी तो सही। हाँ जी, तो लिए कितने गए, पहले चला कितना, मैं 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर आया, और 1 किलोमीटर के मैंने 1.2 दिए। मैं 15 किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर आया, और 1 किलोमीटर के मैंने 1.2 दिए। हाँ जी, करें स्टार्ट, 10 × 2 × 1.2 24 आ गया, और इसका कितना आया, 15 × 2 × 1.2 कितना आया, 36 आ गया, कितना आ गया जी, 36 आ गया। जोड़ लगा दो सर, जोड़ लगा दो, लगा दिया सर, कितना आया सर, ये मेरा कैलकुलेटर भी नालायक है, 36
कितना आया 49.5 आया, ठीक है जी। उसका कितना आया 12 + 24, कितना आया 36 आया। ये क्या आ गई मेरी टोटल कॉस्ट आ गई, क्या आई टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है जी। डिवाइड बाय टन किलोमीटर, कितना आया था पहले का 50 आ गया था और दूसरे का 75 आया था, डिवाइड कर दो सर कितना आएगा, डिवाइड बाय 50 कितना आ गया 0.72 आ गया, और दूसरे का 49.5 डिवाइड बाय 75 आ गया, कितना आ गया 0.66 आ गया, कितना आ गया 0.66 आ गया। ये क्या आया कॉस्ट पर टन किलोमीटर आ गई। लो जी ये क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल था, लेकिन इसमें देखो एक तो आवर्स निकालना पड़ेगा, क्यों निकालना पड़ेगा, इसमें जो खर्चा दे रखा है वो पर आवर दे रखा है। अभी तक जो क्वेश्चंस किए उसमें पर आवर निकालने की जरूरत ही नहीं होती थी, वो सीधा बोल देता था कि साहब इतने रुपए लगे, इसे बोला एक घंटे कितने तो कितने घंटे काम किए वो निकालना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ये दो क्वेश्चन कराए, दोनों लगभग सेम से थे, इजीली हो गए। अब चलते अलग कॉन्सेप्ट की तरफ, मतलब अलग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है जी। क्वेश्चन ही है, थ्योरी तो हो गई इसकी पूरी, है ना। चलो आप ऊपर और कौन से क्वेश्चन की बात करी थी हमने, 8 का 10 का 10 में आ जाएगी। चलो 10 में आ जाएगी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। चलो हाँ जी, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10। चलो ए कंपनी इज कंसिडरिंग 3 अल्टरनेटिव प्रपोजल्स फॉर कन्वेंस फैसिलिटी फॉर इट सेल्स पर्सनल, हु हैज टू डू कंसिडर ट्रेवलिंग अप्रोक्सीमेट 20,000 किलोमीटर एवरी ईयर। द प्रपोजल्स आर एज फॉलोस, भैया मेरे को ऑडिट पे जाना है, कितनी दूर जाके आना है 20,000 किलोमीटर जाके आना है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, तीन ऑप्शंस हैं। पहला है हर साल जाना है मेरे को, तो क्या करूं गाड़ी परचेज कर लूं एंड मेंटेन इट्स और फ्लिट ऑफ कार, और मैं क्या करूं गाड़ी मेंटेन करूं और, ठीक है, इसमें क्या होगा मेरी गाड़ी का खर्चा कितना आएगा 6,00,000 रुपया खर्चा आ जाएगा, ठीक है जी, अच्छी बात है। दूसरा है अलाउ द एग्जीक्यूटिव यूज, अलाउ द एग्जीक्यूटिव मतलब मैं जाऊंगा, मतलब मेरी कंपनी जाएगी और मैंने एग्जीक्यूटिव को बोल दिया सुन एग्जीक्यूटिव भैया तू अपनी खुद की कार ले जा और मैं तेरे को फिक्स कितने दे दूंगा 10 रुपए पर किलोमीटर दे दूंगा, टेंशन खत्म, तेरी गाड़ी तू जा, तेरे पास गाड़ी तू जा, मैं फिक्स तुझे 10 रुपए पर किलोमीटर के दे दूंगा, कंपनी तेरे को 10 रुपए दे देगी, एंड ऑल्सो बी अरे तू खुश हो, इसके अलावा मैं तेरे को इंश्योरेंस का खर्चा और दे दूंगा, मतलब केवल दो खर्चे दूंगा 10 रुपए प्लस इंश्योरेंस का खर्चा, अच्छी बात है। हायर कार फ्रॉम एन एजेंसी, और तीसरा ऑप्शन है कि तू खुद की गाड़ी मतलब यहां पर थर्ड पार्टी से कहीं से किराए पे गाड़ी ले लेते हैं और उसको हम 1,80,000 पर ईयर दे देंगे, ठीक है। लेकिन इस केस में कंपनी हैव टू बियर, कंपनी को और क्या क्या बियर करना पड़ेगा, पेट्रोल का खर्चा, टैक्स का खर्चा और टायर का खर्चा। चलो ये पेट्रोल का खर्चा, टैक्स का खर्चा और टायर का खर्चा पॉइंट नंबर सेकंड में नहीं लगेगा, पॉइंट नंबर सेकंड में खाली 10 रुपए लगेंगे पर किलोमीटर के और उसके अलावा इंश्योरेंस का खर्चा लगेगा। नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी, पेट्रोल 0.6 पर किलोमीटर, अच्छी बात है, टायर 0.12 पर किलोमीटर, अच्छी बात है, टैक्सेस 800 रुपए पर कार पर एनम लगेंगे, अच्छी बात है, आराम से, रिपेयर मेंटेनेंस 0.2 पर किलोमीटर लगता है, इंश्योरेंस लगता है 1200 पर कार पर एनम, लाइफ कितनी 5 साल है गाड़ी की, रीसेल वैल्यू कितनी 80,000 एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, विच इज बेस्ट, इन तीनों प्रपोजल में कौन सा बेस्ट रैंक देनी है, ठीक है जी। तो ऑब्वियसली तीनों का अलग अलग कैलकुलेशन कर लेते हैं, जहां पर कॉस्ट कम से कम आए उसको पहली रैंकिंग दे देंगे। चलो जी स्टार्ट करो, करते हैं स्टार्ट। हाँ जी हाँ जी, इवेल्यूशन ऑफ वेरियस प्रपोजल पर्टिकुलर ए बी एंड सी, ठीक है जी। एक ही खर्चा करते जाते हैं आराम से, परचेज करूंगा ए प्रपोजल मतलब खुद की कार, एग्जीक्यूटिव कार,
और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। पहला डेप्रिसिएशन, ए प्रपोजल है उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा ऑब्वियसली। कितना लगेगा सर? 6 लाख रुपए की चीज है और इसकी स्क्रैप वैल्यू 80,000 है, तो माइनस 80,000 और लाइफ कितनी है? 5 साल है, डिवाइड बाय 5। 6 लाख माइनस 80,000 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा? 1,04,000 आएगा। अब जरा बताओ यहां डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं लगेगा? यहां डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। चलो अब रिम्बर्समेंट एक्सपेंस खाली सेकंड पॉइंट में लगेगा। हाँ जी, रिम्बर्समेंट एक्सपेंस खाली इसमें लगेगा, ए में नहीं लगेगा। बी में कितना लगेगा? बी में लगेगा 10 रुपए पर किलोमीटर। 10 रुपए पर किलोमीटर, कितने किलोमीटर चलता हूं? 20,000। तो 20,000 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपए आ जाएगा। सर वापस कैलकुलेट करके बताओ। तो लिखो जी, मैंने लिख दिया 20,000 इंटू 10 लिख दिया। चलो अच्छी बात है। अब थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है? हायर कार फ्रॉम द एजेंसी, हायर चार्जेस केवल सी पॉइंट में लगेंगे, केवल सी पॉइंट में लगेंगे। मैं लिख दूं हायर चार्जेस, एच आई आर ई, हायर चार्जेस, यहां डैश लगेगा, यहां डैश लगेगा, यहां 1,80,000 लगेगा। ये तो लगेंगे लगेंगे। अब चलो नीचे और कौन से खर्चे लग रहे हैं? पेट्रोल, ये बताओ मेरी खुद की गाड़ी है, पेट्रोल लगेगा क्या? हाँ जी लगेगा, ऑब्वियस लगेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। पेट्रोल चार्जेस कितना? 6 रुपए पर किलोमीटर। तो मैं कितने किलोमीटर चलाऊं? 20,000 इंटू 6 कितना आ गया? 1,20,000। सेकंड वाले पॉइंट में पेट्रोल लग रहा है क्या? नहीं, खाली इंश्योरेंस लग रहा है, तो यहां आ जाएगा डैश। तीसरे वाले में पेट्रोल लग रहा है क्या? हाँ जी लग रहा है, हाँ जी लग रहा है, तो कितना आ जाएगा? 1,20,000 आ जाएगा। समझे मेरी बात? अगला उससे अगला खर्चा क्या? टायर का, टायर एक्सपेंस। पहले वाले में लगेगा मेरी खुद की गाड़ी, तो लगेगा ही लगेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। 20,000 इंटू 0.12 बहुत कम है भाई, 20,000 इंटू 0.12 2400। और यहां पर नहीं लगेगा, खाली इंश्योरेंस लगेगा। तीसरे में टायर का लग रहा है, हाँ जी लग रहा है टायर का, कितना आ जाएगा? 2400। अच्छी बात है। अगला खर्चा क्या है टायर के बाद? टैक्सेस। टैक्सेस पहले वाले में तो लगेगा, सब कुछ लगेगा पहले वाले में, तो बेचारी किस्मत खराब है, खुद की गाड़ी होगी ना, 800। दूसरे वाले में टैक्सेस नहीं लगेंगे, तीसरे वाले टैक्स लग रहे हैं क्या? पेट्रोल टैक्सेस भी लग रहे हैं, 800 रुपए आ जाएंगे। ठीक है जी। टैक्स के बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात करें, पहले वाले में तो लगेगा ही लगेगा, कितना आएगा? 20,000 इंटू 0.2 4,000 रुपए लगेंगे भैया, लगेंगे ही लगेंगे। इसमें नहीं लगेंगे और इसमें भी नहीं लगेंगे, रिपेयर मेंटेनेंस का नाम कहीं भी नहीं है। अगला है इंश्योरेंस, खुद की गाड़ी सब कुछ भुगतना ही पड़ेगा, इंश्योरेंस यहां भी लगेगी। देखो बोल रखा है आल्सो बियर इंश्योरेंस एक्सपेंस, और यहां इंश्योरेंस नहीं लग रही है। ठीक है जी, हो गए सारे खर्चे जोड़ दो बस। कितना कितना आएगा? 1,04,000 प्लस 120 प्लस 2400 प्लस 800 और प्लस 4000 और प्लस 1200 कितना आया? 232400। इसका कितना आएगा? 2,00,000 प्लस 1200 केवल कितना आया? 201200 1,80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2400 और प्लस 800 3,03,00,000। ठीक है जी, यहां पर भी मैं रैंकिंग दे सकता हूं, इतना ही आ रहा है ना भैया, 1,80,000 प्लस 1,20,000, इसके तो बेचारे की भेंट बज गई क्या, 2400 और 800। ठीक है जी, लेकिन अगर मैं चाहूं तो और भी कर सकता हूं, डिवाइड बाय किलोमीटर। यहां भी आप चाहो तो रैंकिंग दे सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। किलोमीटर कितने का डिवाइड करें? 20,000 20,000 20,000 क्या आएगी मेरी कॉस्ट पर किलोमीटर आ जाएगी? कॉस्ट पर किलोमीटर आ जाएगी कितनी आएगी? डिवाइड बाय 20,000
15.16 दूसरी 201200 डिवाइड बाय 20,000 10.06 तीसरे की 232400 डिवाइड बाय 20,000 कितना आ जाएगा 11.62 कितना आ जाएगा 11.62 रैंकिंग दे में तो फर्स्ट रैंकिंग इसको आ जाएगी एक्सेप्ट करने की, सेकंड इसको आ जाएगी और भारतीय किराए पे लेने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, इतना ही क्वेश्चन था खाली कि कौन सा एक्सेप्ट करें, तो जिसमें जो खर्चा लगा उसमें वो जोड़ दिया, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। चलो जी अब कौन सा क्वेश्चन करें देखते हैं। अपन ने 8 का कर लिया, 10 का कर लिया, 18 का और 15 का बाकी है। चलो 18 का क्वेश्चन देखते हैं। आइए 18 में अठारह का तो हो गया अपना, 18 का हो गया, उसके बाद 15 और 16 बाकी है। 15 और 16 में आइए 15 15 15 15, ये मैंने होमवर्क दिए थे ठीक है जी, तो ये आपके नहीं हुए तो आप चेक कर सकते हो मेरे से ठीक है, मैं करा रहा हूँ यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको, अच्छी बात है। चलो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक कंपनी रनिंग ए हॉलीडे होम, फॉर दिस पर्पज इट इज हायर ए बिल्डिंग ऑफ ए रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ। कितना किराया देगी ये कंपनी, 10,000 पर मंथ देगी अलोंग विथ, इसके अलावा 5% ऑफ टोटल टेकिंग, और जो भी टेकिंग आएगी उसके 5% भी खर्चे के रूप में देगी। बात समझ में आई, आई साहब। इट हैज थ्री टाइप ऑफ सूट्स फॉर इट्स कस्टमर, कस्टमर के लिए तीन तरह के रूम है, सिंगल रूम है, डबल रूम है और ट्रिपल रूम है। सिंगल रूम है, डबल रूम है, ट्रिपल रूम है। सिंगल रूम कितने हैं 100, डबल रूम है 50 और ट्रिपल रूम है 30। ये सिंगल रूम है तो सब एकले ठोकले हैं, सारे भरे रहते हैं, 100% ऑक्युपाई है। 50 रूम में से 80% डबल रूम भरे रहते हैं और ट्रिपल तो खाली 60% भरते हैं, अच्छी बात है। द रेंट ऑफ डबल रूम, आराम से, द रेंट ऑफ डबल रूम इज टू बी फिक्स 2.5 टाइम्स ऑफ सिंगल रूम। मतलब अगर सिंगल रूम का खर्चा किराया रेंट एक्स है तो इसका कितना हो गया कितना हो गया 2.56 कितना हो गया 2.56 5x ठीक है, क्योंकि डबल रूम 2.5 टाइम्स है सिंगल रूम से, एंड ट्रिपल रूम सूट इज ट्वाइस ऑफ डबल रूम, और इसका खर्चा कितना है इससे डबल है, इससे डबल है मतलब कितना हो गया 5x हो गया। चलो ये बात समझ में आती है। अब अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं 2013 के, सैलरी, रूम, लाइटिंग, रिपेयर, लॉन्ड्री चार्जेस, इंटीरियर डेकोरेशन, सेंट्री, ये कुछ खर्चे दे रखे हैं। प्रोवाइड 20% प्रॉफिट ऑन टोटल टेकिंग एज्यूमिंग 360 डेज इन ए ईयर। चलो सब कुछ निकालना है, तो पहले तो ये निकालने कि जो रूम है इक्विवेलेंट रूम निकालने पड़ेंगे क्योंकि उसी का मुझे डिवाइड करना है। यू रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रूम टू बी चार्ज टू ईच सूट, हर एक के लिए कितना चार्ज किया जाएगा। चलें करें स्टार्ट वर्किंग नोट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम ठीक है जी। हाँ जी, लेट ये मान लेंगे, लेट फेयर ऑफ, फेयर ही बोल दो इसको, टेकिंग बोल दो या किसी बोल दो, नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी रूम, रेंट, रेंट ऑफ सिंगल रूम इज इक्वल टू एक्स, तो डबल रूम का कितना हो गया 2.5x और ट्रिपल रूम का कितना हो गया 5x हो गया ठीक है जी। टोटल रेंट ड्यूरिंग द ईयर कितना आएगा, सिंगल रूम का कितना आएगा, आराम से 100 कमरे हैं, 100% ऑक्यूपाई रहते हैं ठीक है, कितना किराया लूंगा एक्स लूंगा, 100 रूम एक दिन में, 100 रूम एक दिन में कितने दिन है भैया 360 है इंटू 360, डबल रूम कितने कमरे हैं 50 कमरे हैं, 80% ऑक्यूपाई है, कितना किराया है 2.5x इंटू 360,
ट्रिपल रूम की बात करें तो 30 रूम है, 60% ऑक्यूपाई रहते हैं, कितना किराया है 5x इंटू 360, करें कितना आएगा टोटल, चलो 100 × 100% इंटू 360 कितना आ गया 36,000x आ गया, कितना आ गया 36,000x आ गया। चलो दूसरे की बात करें, 50 × 80% इंटू 2.5 इंटू 360, ये भी गलती से 360,000 आ गया, 36,000x आ गया। तीसरे की बात करें, 30 × 60% इंटू 5 इंटू 360 कितना आया 32,400 आ गया, कितना आ गया 32,400x आ गया, जोड़ दें 36,000 + 36,000 कितना आ गया 1,04,400 हो गया, लो जी x ये हो गया। अब ये अगर हमारा टोटल रेंट है, टोटल रेंट मतलब टोटल टेकिंग हो गया, तो रेंट जो मैं किसको दूंगा, बिल्डिंग ओनर को दूंगा, ठीक है, वो कितना दूंगा 5x ऑफ दिस वन, ठीक है जी। तो बोल दूं कमीशन गिवन टू होटल ओनर, होटल बिल्डिंग ओनर बोल दूं, बिल्डिंग ओनर कितना 1,04,400 इंटू एक्स इंटू 5% कितना आया, इंटू 5% कितना आया 5,220 कितना आया 5,220x जेन्यून चीज है। प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट आएगा 1,04,400x इंटू 20%, 20% ही ना, हाँ जी 20% ही है, 1,04,400 इंटू 20% 20,880x, अच्छी बात। अब करते हैं स्टार्ट, ये हमने कैलकुलेशन पहले ही कर ली। चलो कहां गया ये रहा, चलो थोड़ा सा मिटाते हैं इसको नीचे वाले को, हाँ जी सब स्पेस की जरूरत पड़ेगी मेरे को, टेंशन मत लो, सब स्पेस की जरूरत पड़ेगी हमको। चलो अभी क्वेश्चन किया था ना 18 वाला इसी का ही, ठीक है जी। चलो कैलकुलेशन ऑफ टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ठीक है जी, मैं सीधा लिख रहा हूं जोड़ लगा के, ठीक है जी, आप आराम से जोड़ लगाना है वही आएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट बिफोर कमीशन, बिफोर कमीशन कितना आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट देखते हैं, जब जोड़ लगा लें कितना आएगा 14,25,000 प्लस 4,50,000 प्लस 2,15,000 प्लस 123,500 प्लस 8,500, आपको एग्जाम में लिखना है अलग अलग नवाए को, 74,153,000 25,21,000, इसके अलावा एक खर्चा और लगा था, आपने ध्यान नहीं देखा ऊपर कितना दिया रहे, रेंट 10,000 पर मंथ, 1,20,000 ये भी तो हो गया 1,20,000 कितना आ गया 26,41,000 कितना आ गया 26,41,000 कितना आया 26,41,000। चलो 14,25,450,215,100,8,500,40,74,000 1,53,000 और 1,20,000 आ गया, ठीक है जी। अब यहां तक कर लिया, अब हम आगे कैलकुलेशन फॉर्मूले में करेंगे, पता है हमको, याद है बताया था ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल टेकिंग, टोटल टेकिंग, ठीक है जी। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आई मेरी 26,41,000 प्लस 5
220x प्लस प्रॉफिट कितना है 20880x इज इक्वल टू 1,04,400x. सोल्व करें x की वैल्यू तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 2,26,41,000 डिवाइड बाय आराम से 1,04,400 माइनस 5,220 माइनस 20880 78300 कितना 26,41,000 कितना आया 33.73. ये x की वैल्यू आई. ठीक है जी, तो मैं लिखना चाहूं, बहुत कम किराया ले रहा है भैया, ये मंदी चल रही है COVID-19 वाली, क्या करें. रेंट ऑफ सिंगल रूम जी, ऐसा ही है, सिंगल रूम कितना 33.73. ठीक है, डबल रूम कितना 33.73 इंटू 2.5. ट्रिपल रूम कितना आ जाएगा 33.73 इंटू 5 इंटू 2.5 84.32 और इंटू 2 कितना आ जाएगा 168.64. क्लियर हो गया, इतना ही क्वेश्चन था. ठीक है जी, समझ में आया, पक्की बात. चलो अब क्वेश्चन में 16 नो ट्राई कर लेते हैं. चलो पढ़िए क्वेश्चन में 16, ये भी होमवर्क दिया था, ट्राई कर लिया होगा आपने. चलो In order to develop tourism, ABCL airline has been given permit to operate 3 flights in a week between X and Y city. In order to develop tourism, ABCL airline has given permit to operate 3 flights in a week between X and Y city. Both side, मतलब X और Y के बीच में 3 फ्लाइटें चलेंगी, अच्छी बात है. Both side जाएंगे, obviously जाएंगी तो आएंगी भी. The airlines operate a single aircraft 160 कैपेसिटी, एक तरफ जाने के लिए कितनी सीट कैपेसिटी, 160 की कैपेसिटी है. नॉर्मल ऑक्युपेंसी रेट इज एस्टिमेट 60% लोग उसमें बैठकर जाते हैं थ्रू आउट द ईयर ऑफ 52 वीक्स, अच्छी बात है. द वन वे फेयर, एक बार के किराया कितना लेता हूं मैं, 7,200 लेता हूं. एंड द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ फ्लाइट आर, और आराम से खर्चा कितना लगता है फ्लाइट को ऑपरेट करने में. ये जो एक्सपेंस दे रखे ना नीचे, ये भी एक्चुअल में कैसे है, वन वे फेयर है. कैसे है, वन वे फेयर, एक बार जाने के कितने खर्चे लगते हैं. फ्यूल खर्चा लगता है 96,000 पर फ्लाइट, ऑब्वियसली पर फ्लाइट दे रखा है ना. फूड सर्व ऑन बोर्ड ऑन नॉन चार्जेबल बेसिस 125 पर पैसेंजर, ₹125 पर पैसेंजर में लेता हूं, मेरे लगता है, लेकिन मैं इसके लिए कस्टमर से नहीं लेता हूं, वो 7,200 में ही इंक्लूडेड है. कमीशन 5% ऑफ फेयर एप्लीकेबल ऑन ऑल बुकिंग फिक्स्ड कॉस्ट. ओ माय गॉड, मतलब ये बुकिंग किसी ना किसी मीडिएटर के थ्रू कराता है, वो भी कमीशन कितना लेता है, 5% ऑफ ऑल बुकिंग फिक्स्ड फेयर, कितना 5% ऑफ फेयर. अब इसमें अच्छी बात ये है, 5% ऑफ एक्स मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने दे रखा है किराया कितना है मेरा 7,200 है. एयरक्राफ्ट लीज कितनी है, 3,50,000 लगता है. और लैंडिंग चार्जेस कितने लगते हैं, 72,000 पर फ्लाइट लगते हैं. सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग इनकम पर फ्लाइट. नेट ऑपरेटिंग इनकम निकालनी तो खर्चे जोड़ लो और इनकम में से माइनस कर दो, सीधी सी बात ही है. चलो द एयरलाइन एक्सपेक्ट दैट इट्स ऑक्युपेंसी विल इंक्रीज टू 108 पैसेंजर. फिलहाल कितना देता है, 160 जने हैं इंटू 60%, फिलहाल 96 आते हैं, इसको ये बोल रहा है 108 तक बढ़ जाएंगे. इफ फेयर इज रिड्यूस टू 6,720 एडवाइज वेदर प्रपोजल इज एक्सेप्टेड और नॉट. सिंपल सी बात है, करना क्या है, खर्चे हैं इनकम जो निकाल देना, करें स्टार्ट. चलो कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम मैं सीधा कर रहा हूं, ठीक है ना. पहले लिख दूं फेयर इनकम,
फेयर चार्जेस कितना 7200 इंटू 160 इंटू कितना परसेंट 60%। ठीक है जी, कितना आएगा 7200 इंटू 160 इंटू 60% कितना आया 691200 लेस एक्सपेंस। आप पांचों लिख देना अलग अलग, मेरे पास नहीं टाइम, मैं सीधा जोड़कर लिख रहा हूं। ठीक है जी, कितना आएगा 96,000 एम प्लस, आप लिख देना सारे के सारे। पैसेंजर कितने हैं, पैसेंजर थे 90 160 इंटू 60% इंटू 125 एम प्लस में डाला 5% फेयर, तो 7200 इंटू 160 इंटू 60% इंटू 5% ये हो गया 350,000 लग गए। ठीक है जी, और 72,000 लग गए, कितने लग गए 564,500 आप प्लीज अलग अलग लिखना 564,560। ठीक है जी, इनकम निकाल लो भैया कितनी आएगी 691,200 कितनी आएगी 126,640 आ जाएगी। लो जी इनकम हो गई, ये होगी इसकी नेट ऑपरेटिंग इनकम। अब ये बोल रहा है कि सब 108 हो तो कितना होगा, तो ऑप्शन सेकंड में कर लेंगे, फेयर चार्जेस कितने आएंगे, ऑब्वियस आप प्लीज कर लेना। अब मैं लूंगा कितने 6720 इंटू 108 इंटू 108 कितना 6720 इंटू 108 कितना आएगा 725760 लेस एक्सपेंस कितना 564,560 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर, क्योंकि यहां पर आपके एक्सपेंस सेम नहीं रहे। कैसे नहीं रहे, ड्यू टू दो पॉइंट कौन सा, पॉइंट नंबर एक पैसेंजर चेंज हो गए ना, पॉइंट नंबर दो फेयर भी चेंज हो गया, तो हमें अलग निकालना पड़ेगा। मैं कैलकुलेटर में निकाल देता हूँ, 96 बोल के निकाल रहा हूँ, सुन लेना 96,000 एम प्लस में डाले, 108 इंटू 125 एम प्लस में डाला, और तीसरे का 5% ऑफ फेयर एप्लीकेबल, तो फेयर कितना है 108 इंटू 6720 ना 6720 इंटू 5%। ठीक है जी, और 350 सेम का सेम रह जाएगा, और 72 भी सेम का सेम रह जाएगा, कितना आएगा 567,788। लो जी कितना डिफरेंस आ जाएगा, माइनस 725,760 कितना आ गया 157,972। ठीक है जी, ये आया नेट ऑपरेटिंग इनकम। क्या पूछा है, प्रपोजल एक्सेप्टेड, यस प्रपोजल एक्सेप्टेड, खत्म बात। क्यों एक्सेप्टेड, इनकम कितनी बढ़ गई 157,972 माइनस 126,640 126,640 कितनी बढ़ गई 31,332 कितनी बढ़ गई 31,332 बढ़ गई। लो जी आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, एक दो क्वेश्चन बाकी हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, इतने ही कर लेना, चलो ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अगली वीडियो आप तभी करोगे जब आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है जी, ओके बाय बाय।